हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीकेपी हब। देखो, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से जो पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है 1 दिसंबर में, जो कि उसका रजिस्ट्रेशन का टाइम था 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसका कंपटीशन के बारे में क्या क्या करना है, पेंटिंग और क्या क्या सब करना है, उसी के बारे में बोलूँ ये वीडियो बनाया गया है। देखिए क्या क्या सब स्टेप्स है, कैसे बनाया जाएगा कंपटीशन, ये देखो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी देखेंगे। रजिस्टर बारे में बोल रहे थे सब, उसी का रजिस्टर आप जाके यही यहाँ पर जो रजिस्टर है, रजिस्टर के मार के आप बना सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम देखेंगे उसका कैसे करते हैं, क्या क्या कंडीशन है। ये देखो इसका उसका मेथोडोलॉजी है, कैसे उसका कंडीशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। देखो आपको तो पता ही है, तो 2 ग्रुप में होने वाला है, जो ग्रुप ए ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए में 5th to 7th स्टैंडर्ड बच्चे रहेंगे, ग्रुप बी में 8th to 10th स्टैंडर्ड बच्चे रहेंगे। ओके, देखिए इसमें आपका जो नोडल ऑफिसर सब नॉमिनेटेड किया हुआ है, वो नोडल ऑफिसर सब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉमिनेटेड नोडल ऑफिसर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट यूटी वुड विजिट एंड कम्युनिकेट विद द डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करके इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो अपकमिंग पेंटिंग कंपटीशन है। वो नोडल ऑफिसर से नियुक्त किया हुआ है, कौन सा स्टेट में कौन नोडल ऑफिसर है सब नियुक्त किया हुआ है, और इसको शेयर इन्फॉर्मेशन आप SMS के जरिए से स्टूडेंट को पास भेजना है, क्योंकि पता नहीं है सबको ये कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन के बारे में देखो, आपको देखो वो स्कूल का द इंटरेस्टेड एंड कंसर्न स्कूल वुड रजिस्टर देमसेल्व ऑन वेब पोर्टल नोन एज www.beestudentsawards.in। जो स्कूल इंटरेस्टेड है वो इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं पार्टिसिपेट का नाम को। ओके, नहीं तो आप जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है वुड ऑल्सो एलिजिबल टू रजिस्टर देमसेल्व थ्रू नोडल ऑफिसर्स के द्वारा जाके पार्टिसिपेट का रजिस्टर कर सकते, और डायरेक्ट आप वेब पोर्टल से भी रजिस्टर कर सकते जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है। ओके, देखिए आपका कैपिटल सिटी भरना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो कंपटीशन 1 दिसंबर में होने वाला है, डिफरेंट टाइम टेबल है उसी 1 दिसंबर में। 1 दिसंबर से देखो पार्टिसिपेशन कंपटीशन में ऑल्सो कॉन्टेड बैचेस मल्टी सेक्शन में होना चाहिए, होगा 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ओके, देखो पेंटिंग का क्या रहता है, देखो टॉपिक रहता है आज़ादी का अमृत महोत्सव का टॉपिक रहता है, एनर्जी एफिशिएंसी इंडिया के बारे में बनाना है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव क्लीनर प्लानेट के बारे में बनाना है। नोडल ऑफिसर शुड परचेज प्रिफरेबल A4 A3 साइज का पेपर आपको दिया जाएगा, जो ड्राइंग शीट में आप बनाएंगे। ओके, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वुड कैरी द रिक्वायर्ड ड्राइंग मटेरियल ऑफ देयर ओन, आपको आपका ड्राइंग मटेरियल खुद लाना है, अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय स्कूल, नहीं तो आपका स्कूल प्रोवाइड करता होगा। क्या क्या देखो, पेंटिंग मटेरियल जो थी पेंसिल कलर क्रायन्स वाटर कलर आप सबको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्कूल के तरफ से भी ला सकते हैं। देखो आपको ये भी लिखना पड़े, ये मेन चीज़ है, देखो ड्राइंग बोर्ड भी रहता है। देखो बैक ऑफ द ड्राइंग शीट मस्ट कैरी, आप जो ड्राइंग करेंगे उसके बैक में क्या क्या लिखना है, ये देखो हेडिंग रहेगा आपका स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन 2021, ड्राइंग शीट का सीरियल नंबर रहेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट रहेगा, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स फादर्स नेम रहेगा, कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप ए की ग्रुप बी स्टैंडर्ड, रोल नंबर, स्कूल नेम, एड्रेस, गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल एरिया, आपका रूरल एरिया में होगा तो S लिखोगे, नहीं तो नो लिखोगे, स्टेट कौन सा है, स्कूल मोबाइल स्कूल का टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, देन सिग्नेचर ऑफ नोडल ऑफिसर, जो नोडल ऑफिसर होगा उनका साइन रहेगा। ओके, ये देखो और भी, नोडल ऑफिसर में ऑल्सो एक्सेप्ट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोस्ट, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फुलफिल नहीं हुआ है तो ऑन द स्पॉट नोडल ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, डिजिटल पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट अंडर द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल कैन ओनली बी इश्यू टू दोज पार्टिसिपेंट्स
whose name have been uploaded in the predefined Excel format by the concerned school. ओके देखेंगे उसके बाद आपको जो सिलेक्शन आएगा, देखो पेंटिंग होने के बाद देखो नोडल ऑफिसर अवार्ड फंक्शन सब प्रोवाइड अरेंज करेंगे. देखो ग्रुप फोटोग्राफ्स एंड फंक्शन डैश फोटोग्राफ बोथ ए एंड बी सेपरेटली ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स अलोंग विद द चीफ गेस्ट एंड रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर आर ऑल्सो भी अरेंज. ओके देखो उसके बाद आपका तो कमिट ऑफ एक्सपर्ट और जूरी जो आपका जज होते होंगे वो क्या करेंगे, 13 बेस्ट पेंटिंग को रेस्पेक्टिव ग्रुप का ऑन द डे ऑफ कंपटीशन इवैल्यूएट करेंगे. 13 बेस्ट कंपटीशन पेंटिंग का वो चूज करेंगे. उसके बाद अब तो प्राइस के बारे में पता है, फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड 30,000, थर्ड 20,000, कंसोलेशन 10 नंबर रहेगा जो कि 7,500 रुपये का. ओके इसके बाद आपको सिलेक्शन होने के बाद वो आगे जाएगा नेशनल लेवल, ये स्टेट लेवल था, ये नेशनल लेवल में जाएगा आगे. उसके बाद उसका तो नंबर प्राइज हमारे पता है 1,00,000, देन 50,000 सेकेंड, थर्ड 30,000, देन कंसोलेशन प्राइज रहता है 15,000. ओके उसके बाद में देखेंगे. देखो रजिस्ट्रेशन ऐसे आता है, न्यू यूजर आप मानना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन को जाकर इंडिविजुअल आप चूज करेंगे, सिलेक्ट ग्रुप कौन सा ग्रुप में, नेम तो स्टूडेंट रहेगा, स्कूल क्लास रहेगा, एड्रेस 1 रहेगा, एड्रेस 2 रहेगा आपका, स्टेट रहेगा कौन सा स्टेट में, स्कूल सिटी सिलेक्ट सिटी रहेगा आपका, डिस्ट्रिक्ट देन चूज करेंगे, पिन कोड आप डाल देंगे, फादर्स नेम, मदर मोबाइल नेम, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, देन कैप्चा फिलअप करके आपको रजिस्टर करने से हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन. ओके देन ये फॉर्म आपको वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस फॉर्म एक मिलेगा जो जो कि स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन का है, फोटो ग्रुप लगेगा, ग्रुप ए ग्रुप बी. ओके उसके बाद आपको ये देखो नोडल ऑफिसर से ड्राइंग कोड दिया है उसी में लिखा जाएगा. ओके ये स्टेट लेवल का आपका देखो 13 नंबर का मेंबर का नेम भरा जाएगा इसमें, कहाँ कहाँ होगा सब पता चल जाएगा. उसके बाद स्कूल के हेडमास्टर से कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो नोडल ऑफिसर कहाँ कहाँ स्कूल में पता करने से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ होता है. ओके ये एक्सेल शीट है, लास्ट को है आपका सर्टिफिकेट मिल सकता है. ओके जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, धन्यवाद.